इस वक्त मैं कल के मुकाम पे जो कि ये अमूमन के इसे घबराहट का गेटवे कहा जाता है, इस वक्त तो यहाँ पे मौजूद हूँ। और अकब में जो नज़र आ रहा है ये तारीखी मस्जिद है तल का, जो कि अपने एक अहमियत इसको हासिल है। और अहमियत ये है कि ये कई से भी पुरानी है और यहाँ के मुकामी लोग जो कि यहाँ पे बयान करते हैं कि 200 से 300 साल पुरानी ये मस्जिद है। और इस मस्जिद की खासियत और अहमियत यह है कि ये टोटली जो है ये वुडन है और बिल्कुल लकड़ी से बनी हुई है। और लकड़ी वही लकड़ी है जो कि दियार के कीमती लकड़ी से ये बना हुआ है। और यहाँ पे जो यहाँ के तारीखी इजरा है वो है 1852। तो ये 1852 थे। यहाँ पे जो हम बुजुर्ग लोगों से यहाँ उन्होंने हमने बात की तो उनका कहता है कि ये 1852 से पहले भी बना था, लेकिन जो उस वक्त के लोग थे तो 1852 उसके तारीख इजरा था। उसके बाद में ये तकरीबन 3 बार जो है ये उसको एक बार शहीद हुआ था क्योंकि आग की वजह से जो है ये जल गया था। और दूसरी बार जो है ये बनते बनते तकरीबन 6 सालों में इसको बनाया गया दोबारा। तो इस वक्त भी ये मस्जिद जो है ये तारीखी और इसको तारीखी जैसा कि मैंने पहले भी बताया तारीखी अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि ये पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में अब अपना एक हैसियत जो है उसको हासिल है। और पहले ये ज़्यादातर कहते कि और जो कि हमारे करीबी अजला है इन लोगों को पता था, जब से कुमराट एक्सप्लोर हुआ है और यहाँ पे दुनिया भर के लोग बल्कि कराची से लेकर चित्राल तक जो लोग यहाँ आ रहे हैं, पंजाब जो पाकिस्तान लाहौर इस्लामाबाद पेशावर और दीगर इलाकों से जो सियाह यहाँ आते हैं तो उनका पहला पड़ाव यहाँ पे होता है क्योंकि ये एक तारीखी अहमियत है। जैसे कि आमतौर घर में उसका मुवाजना करो तो इस्लामाबाद में जैसे कि फैसल मस्जिद है तो वहाँ पे अब नमाज भी हो रहा है और साथ साथ तो लोग टूरिस्ट भी आ रहे हैं, सियाह भी आ रहे हैं और उसका दीदार भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए मुल्क भर से जो है यहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ पे गैर मुल्की जब आते हैं तो वो भी खुद यहाँ देखते हैं। और इसकी खासियत ये है क्योंकि जो इस वक्त बना था तो इनके एक एक पिलर जो कि बिल्कुल 3 आदमी अगर हाथ उनसे जो है मोटाई के लिहाज से जो है वो कर ले हिसाब तो तकरीबन 22 फुट जो है इसका एक एक पिलर और इसके शहतीर जो है ये बना हुआ है। तो लोग यही सोच रहे हैं आजकल के लोग कि ये पास ही ये लकड़ी जो है लाए गए थे इतने बड़े बड़े पिलर्स और इतने बड़े बड़े शहतीर। तो यहाँ के मुकामी लोगों का यही कहना है तो उस वक्त के बुजुर्गों ने तकरीबन 200-300 साल पुरानी और जो 250 साल पुरानी लोग थे उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 200-300 लोग इकट्ठा करके जो है ये जंगल से जो है यहाँ लेके आए थे और यहाँ पे ये मस्जिद आबाद किया था। तो ये उनकी बरकत है कि ये मस्जिद जो कि अहमियत इन्हीं बातों के कि 18 से लेकर 22 फुट तक इसके मुख्तलिफ पिलर्स भी है और शहतीर भी है, बड़े बड़े शहतीर है। और इनकी गुलकारी नक्शकारी जो है वो बिल्कुल देवदार की लकड़ी से बनाई गई है और ये पूरा जो है लकड़ी से बना हुआ है। तो लोग इसे देखने आते हैं और यहाँ कुछ लम्हात गुजार के और यहाँ नमाज पढ़ के नवाफिल पढ़ के फिर आगे की तरफ जो कि हमारे दिल की सियाहती मुकाम है हसीन वादी है कुमराट तो वहाँ के खूबसूरत और हसीन मनाजिर को देखने के लिए फिर यहाँ से आगे जैसे कि आज मैं कैमरा मैन ये जरा दिखा दे तो ये कुमराट तक जो है ये रास्ता आगे जाता है और आगे वादी कुमराट है। तो फिर ये लोग जो है यहाँ से लेके कुमराट की हसीन वादियों में गुम हो जाते हैं और यहाँ वहाँ के खूबसूरत और कुदरती मनाजिर और घने जंगलात का सब शादाब मैदान बहते अफशारे और बिल्कुल शीशे की तरह दरिया कोहिस्तान जो कि पंचकोड़ा के नाम से मशहूर है वहाँ पे अपने फैमिली के हमराह दोस्तों के हमराह वहाँ जो है इंजॉय करते हैं। और इन खूबसूरत हसीन मनाजिर के साथ साथ तो इसका पहला पड़ाव ये तारीखी तल मस्जिद है। तो ये इनका थोड़ा सा वो तारीखी अहमियत हमने बयान किया।